पढ़ोगे बढ़ोगे जैसे स्लोगन के साथ सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए हर भरसक प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने का दावा किया जाता है और दूरांचल से बच्चे पढ़ने आते भी हैं, लेकिन जब रहने को छात्रावास ना ही हो तो शिक्षा ग्रहण करें तो कैसे करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतागढ़ ब्लॉक के कोलार की, जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल तो है और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी भरपूर है, मगर पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए एक भी गर्ल छात्रावास मौजूद नहीं है। कोलार हायर सेकेंडरी स्कूल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या अधिक है, जहाँ दूरांचल क्षेत्र से लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण करने आती ही हैं, मगर दिक्कतों का सामना करके, क्योंकि यहाँ एक भी कन्या छात्रावास मौजूद नहीं है। नक्सलवाद क्षेत्र होने के बाद भी अगर ये छात्राएं निकलकर शिक्षा ग्रहण करती हैं तो ये सरकार की कामयाबी तो है, मगर प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की लापरवाही के चलते कहीं भविष्य में संख्या कम ना हो जाए। कई किलोमीटर का सफर तय कर ये छात्राएं शिक्षा ग्रहण करना कोई चुनौती से कम नहीं है। इस बरसात के मौसम में नदी पार कर शिक्षा के मंदिर पहुंचती हैं और अगर नदी में बाढ़ आ गई या जल स्तर बढ़ गया तो रात स्कूल परिसर में काटो। ये चुनौती छात्राओं के साथ स्कूल प्रबंधन की भी होती है। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 7-8 किलोमीटर। तो क्या परेशानी होता है आप लोगों को? आने जाने बाढ़ के बरसात के समय में आने जाने में तकलीफ होती है। अगर बाढ़ आ जाती है तो हमारी पढ़ाई में नुकसान होती है और हम पढ़ाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे छात्रावास नहीं है आप लोगों के रहने के लिए? कोई साधन नहीं है रहने के लिए। तो कैसे आप रहने के लिए कैसे करते हो कि आप लोग रोज आना जाना करते हैं? जी कभी कभी तकलीफ भी होती है आने जाने के लिए। अगर आ जाते हैं और बाढ़ आ गई तो सर लोग गाड़ी के साधन से हमें पहुंचा देते हैं। मतलब यहाँ पे छात्रावास नहीं है? यानी नहीं, यानी छात्रा छात्राओं के लिए जो लड़कियाँ हैं उनके लिए कोई छात्रावास नहीं है और लड़कों के लिए छात्रावास है यहाँ पे? जी। मतलब आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? जी। वर्तमान में यहाँ की दर्ज संख्या बालक 120, बालिका 140 है सर, कुल 260। उसके लिए अभी पहले जानकारी दिया गया है कि छात्रावास की अति आवश्यकता है, क्योंकि नज़दीक में बाढ़ है मेवड़की नदी का, आने जाने में परेशानी होती है बालिकाओं के लिए ज़्यादा। जी सर, अगर बाढ़ आ जाती होगी, जैसे छात्राएं यहाँ पहुँच जाती होंगी, तो फिर कैसे व्यवस्था की जाती है उन बच्चों के लिए, क्या किया जाता है बच्चों को? जैसे बाढ़ आ जाने से उनको कुछ साधन करके देते हैं। आप लोग क्या मांग चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार? यहाँ कन्या छात्रावास खोलने के लिए मांग कर रहे हैं। इसके लिए आप किसी को आवेदन किए, किसी को आपने अवगत कराया? पहले सरकार को कई बार आवेदन किए हैं और जब यहाँ कलेक्टर आई थी उसको भी अवगत कराए थे। क्या बोलना था उनका? उनका ठीक होगा, कर देंगे बोले थे। कितने समय पहले किए थे आपने आवेदन दिया था? 2000। कई दफ़े शासन प्रशासन, हमारे विधायक, संसद, मंत्री, यहाँ तक कि पूरा मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने ग्रामवासियों की तरफ से आवेदन दे चुके, परंतु हमारे आवेदन के ऊपर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। ये सही है कि हमारे यहाँ छात्रावास, बालक बालिका छात्रावास होना ज़रूरी है, क्योंकि नदी नाला पार करके आते हैं और बाढ़ के दिन में उनको जाने में बहुत ही तकलीफ होता है। उस स्थिति में हमारे स्कूल के टीचर लोग जो हैं गाड़ी करके 20 किलोमीटर पहुंचा देते हैं। हमारा जो छात्रावास, कन्या छात्रावास की समस्या है वो विगत कई वर्षों से चल रहा है और इस छात्रावास की समस्या को आज तक के कोई अधिकारी, ना प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, ना शासन, कोई भी आज तक के हल नहीं कर पाया। इसके लिए हमने बहुत सारे आवेदन कलेक्टर को दिए हैं, कमिश्नर को दिए हैं, प्लस शासन जो चल रही है, पिछले शासन में जो थे उनको भी हम अवगत करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी समस्या होने के बाद भी आज तक के शासन प्रशासन किसी टाइप की कोई कन्याओं के लिए व्यवस्था नहीं करा पा रही है। और कन्या जो बहसालेभाट, जैतपुरी, डांगरा, पुलपार, इतने सारे जगहों से